everyone, welcome to World Student Scope. So I'm Shikha, your English educator here. In the last lecture, we have read about the poem, about the story, A Letter to God. There was a Lencho who sent a letter to God. When his crops, corn field has been destroyed, and after that his only hope left with him was God, a help from the God. So he wrote down a letter, and there also he has written that he need 100 pesos to sow that again, to sow his field again of crops, of corn, sorry. And in this lecture we will read about the next part of the story. लास्ट में हमने ये भी देखा था कि उसका जो फेथ है, जो बिलीव है, ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसलिए हम जो पोस्ट मास्टर थे, पोस्टमैन थे, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन करके उसकी हेल्प की थी लेंचो की, और उसको एनवेलप में डालकर इट वाज मोर देन हाफ, नॉट 100 एग्जैक्टली, बट इट वाज मोर देन हाफ. सो आफ्टर दैट उन्होंने वो जो एनवेलप में डालकर, देर वॉज वन सिंगल नेम written on the envelope, and that was God, as a signature of a God. So उन्होंने उसको भेज दिया, he sent them to Lencho, and let's see Lencho उसको देखकर उसका क्या reaction था. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो Sunday था, जो फॉलोइंग नेक्स्ट संडे था, तो उसमें जो लेंचो था वो यूजुअली वो जितने टाइम पे उठता था वो उससे अर्ली उठ गया, उससे पहले ही उठ गया, अ बिट अर्लियर देन यूजुअल. जितने टाइम पे वो उठता था वो उससे थोड़ा जल्दी उठ के, एंड टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ताकि वो वहाँ पे जाकर पोस्ट ऑफिस में पूछ सके कि इफ़ देयर इज़ एनी लेटर फॉर हिम फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उसका कोई रिप्लाई आया है, कोई लेटर उसके लिए आया है. तो इसलिए वो नेक्स्ट संडे जल्दी से उठ के तैयार होके वो कहाँ जा रहा है, पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. और वो कौन था, एक पोस्टमैन था खुद ही, जिसने वो लेटर किसको हैंड किया, हैंड ओवर किया उसको, लेंचो को. वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है क्लास सेटिस्फैक्शन. तो उसके बाद क्या होता है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल, अब उसने ही जो लेटर था उसको आगे फॉरवर्ड किया, पोस्टमैन जिसने खुद ही जो लेटर है उसको गॉड के रिप्लाई में उसको वापस से लिख रहा था. सो वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब क्या होता है, वो जो पोस्टमैन है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक सेटिस्फैक्शन जो है वो उसको एक्सपीरियंस हो रही है. वो सेटिस्फैक्शन उसको इसलिए एक्सपीरियंस हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है किसी पर्सन के लिए, कि उसका जो फेथ है भगवान पे, जो विश्वास है वो टूट ना जाए, इसलिए उसने कुछ गुड डीड किए हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं उस पर्सन की, उस लेंचो की हेल्प करके. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. और जैसे ही लेंचो उस लेटर को देखता है तो वो बिल्कुल भी ऐसे शो कर रहा है कि वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, मतलब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, एज जैसे उसको पता चलता है कि वो जो लेटर है भगवान ने उसको लेटर जो है वो रिप्लाई में दिया है, रिवर्ट बैक किया है, और जो लेटर है वो भगवान से आया है. तो वो ना कुछ एक्साइटमेंट शो करते हुए वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है. सो ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. जब वो पैसे देखता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं शो करता. एंड सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. और उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वो पैसे देख कर भी, उसको ऐसा लगता कि भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं, बट स्टिल वो पैसे देख कर भी बिल्कुल भी सरप्राइज मीन्स कि इतना उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि वो बिल्कुल शो नहीं होने देता इस चीज़ को. बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी. और जैसे वो पैसों को काउंट करता है ही बिकेम्स एंग्री, तो उसको गुस्सा आ जाता है. अब जो भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं, जो कि एक्चुअली पोस्टमैन ने उसको भेजे थे, तो उसको पैसे देकर क्यों गुस्सा आ गया, वाई ही बिकम एंग्री.
वाई व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे उसने कितने डिमांड की थी, कितनी उसकी नीड थी, उसकी रिक्वायरमेंट 300 पैसों की, बट उसने उसको कितने रिसीव हुए, नॉट 100 बट लेस देन दैट. सो आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकेम वेरी एंग्री. गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब उसको ऐसा लगता है कि गॉड कुडंट मेक अ मिस्टेक, अब भगवान जो है वो इतनी गलती तो नहीं कर सकते. इफ आई डिमांड, इफ ही गिव मी पैसो, देन वाई ही गिव मी लेस देन द वट आई रिक्वायर, जितना मुझे चाहिए था उससे कम क्यों मिला है. मीट इट वॉज मोर देन द हाफ बट इट वॉज लेस देन द फुलेस्ट ऑफ द मनी दैट ही डिमांडेड और दैट ही नीडेड. तो उसको ऐसा लगता है कि जो भगवान है वो गलती नहीं कर सकते, ही कुडंट मेक अ मिस्टेक. और फिर उसको क्या लगता है कि भगवान अगर गलती नहीं कर सकते हैं तो भगवान ने उस जो लेंचो के मनी जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था भगवान को अपने फेथ के साथ, तो जो भगवान है गॉड है उन्होंने भी उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं किया. सो यहाँ पे वो कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर है कि जो पैसे उसको मिले हैं वो पूरे नहीं हैं, जहाँ तो उसको पैसे नहीं मिलते, गॉड ने उसको डिनाई भी नहीं किया है पैसों देने के लिए, बट जो उसको मनी मिली है रिसीव हुई है वो फुल भी नहीं है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी. तो उसको ऐसा लगता है कि जो भगवान है गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना तो उन्होंने डिनाई किया और ना ही वो गलती कर सकते हैं. इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तो उसके बाद क्या होता है, जो इमीजिएटली क्या करता है, लेंचो उठता है, वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तो अब वो किसके लिए मांग रहा है, पेपर और इंक के लिए पूछ रहा है. एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो क्या करता है, स्टार्ट टू राइट अगेन. जो लेटर उसने पहले भगवान को लिखा था, जैसे उसको कम पैसे मिल रहे हैं तो उसने ही स्टार्ट टू राइट अगेन. अब वो दोबारा से लेटर लिखने की कोशिश कर रहा है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स फोल्ड्स अपीयर ऑन फेस अबव आईज टू शो अ सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड लुक. वो इस सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड लुक से कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो बनाकर लिख रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि जो भगवान है वो कोई गलती नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल ही रिसीव्ड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड टू राइट अगेन विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मीन्स एक कन्फ्यूज्ड सी सिचुएशन में कन्फ्यूज से एक्सप्रेशंस बना के वो लिख रहा है. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. When he finished, अब वो जब लेटर लिख देता है, and as soon as he finished, he went to the window to buy a stamp. तो जैसे वो उसको फिनिश कर देता है, वो विंडो साइड में जाता है स्टैम्प लेने के लिए. You can see in the picture, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अपनी blow of fist की हेल्प से वो क्या करता है, उस एनवेलप को जो स्टैम्प लेता है उसको फिक्स कर देता है एनवेलप के ऊपर, जो लेटर उसने भगवान को लिखा होता है. The moment the letter fell into the mailbox, और जैसे ही वो जो letter है mailbox में डाल देता है तो क्या होता है, the postmaster went to open it. तो उनको तो पता ही होता है, वो वहीं पर present होते हैं जैसे वो लिख रहा था, and after that उसने mailbox में जब वो letter को डाल दिया तो वो दोबारा वहाँ जाते हैं. He went to open that letter again. It said, अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उसने दोबारा क्या उसने ज़्यादा पैसों की डिमांड की होगी, कि ही रिसीव्ड अ लेस अमाउंट ऑफ मनी. सो क्या उसने ज़्यादा और पैसे की डिमांड की है, या फिर उसने लेटर में क्या लिखा है, लेट्स फाइंड आउट. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी. अब ऐसा बोलता है कि जितनी मैंने डिमांड की थी, मैंने तो 100 पैसों की डिमांड की थी, लेकिन बट आई रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, कि मुझे सिर्फ जो रिसीव हुए हैं वो कितने हुए हैं, 70. ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों. सेंड मी द रेस्ट
सिंस आई नीड इट वेरी मच. अब वो गॉड को क्या बोल रहा है कि जो बाकी के बचते हैं पैसे हैं, रेस्ट ऑफ द 30 pesos सेंड इट टू मी एज आई नीड इट वेरी मच, कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे जो बाकी बचते हैं पैसे वो भी मुझे भेज दो. अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. अब वैसे बोल रहे हैं कि जो मुझे पैसे आप सेंड करोगे वो मुझे मेल के थ्रू मत सेंड करना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो. अब वो क्या लिख रहे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन एस्पेशली अ चीटर. तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी आप मुझे अब रेस्ट ऑफ द मनी अगर सेंड करोगे तो वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हो सकता है कि वे मेरे पैसे चुरा लें, और एक्चुअली में वो पैसे किसने दिए होते हैं, उन्होंने ही दिए होते हैं कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन डालकर. तो ऐसे लिखता है वो कि उसको ऐसा लगता है, उसका इतना ब्लाइंड फेथ होता है गॉड के ऊपर, उसको ऐसा लगता है कि वो जो पैसे थे वो भगवान ने ही उसको भेजे थे, ऑल दैट 70 pesos. एंड आफ्टर दैट ही रॉट एन अनदर लेटर इन विच ही राइट दैट ही नीड रेस्ट ऑफ द मनी एंड डोंट सेंड मी थ्रू द मेल एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन, जिसपे वो विश्वास नहीं कर सकता, हो सकता है कि वो उसमें जो पैसे हैं वो निकाल लें. तो ये लेटर उसने भेजी हुई होती है. इट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि वो जो लेटर था, लेटर टू गॉड, जो लेटर टू गॉड था वो एक्चुअली जो लेटर उसने लिखा था वो गॉड तक नहीं पहुंचा था, विच वॉज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल भी नहीं था. तो वो लेटर किसको मिला था, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में थे उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके, सो दैट हिज फेथ डजंट डू नॉट ब्रेक डाउन, दैट्स वाई दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिट मनी. इवन द पोस्ट मास्टर जो था उसने भी कुछ पार्ट अपनी सैलरी का जो था वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड उसको उसका सो दैट उसका फेथ ना टूटे, इसलिए उन्होंने उसको उसका बिलीफ ना तोड़ने के लिए जितने भी उनके पास हो सकते थे उन्होंने किए, कलेक्ट किए उन्होंने पैसे. बट इट वॉज नॉट 100, इट वॉज 70 pesos. तो उनके पास इतने ज़्यादा नहीं हो पाए, लेकिन सिर्फ 70 हो पाए, तो उन्होंने वही उसको भेज दिए. बट जैसे ही लेंचो देखता है, काउंट करता है मनी, तो उसको जब वो व्हेन ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ओनली जस्ट 70 pesos, उसने उसके बाद वो दोबारा लेटर जो है वो भगवान को लिखा. उसको ऐसा लगता है कि वो जो 70 pesos थे वो भगवान ने ही मुझे दिए थे, इसलिए वो दोबारा लिखता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है आई नीड इट मच सो गिव इट टू मी, कि जितने भी पैसे जो बचते हैं रेस्ट ऑफ द मनी वो मुझे चाहिए. तो वो ये भी बोलता है साथ के साथ कि जो आप मुझे भेजोगे डोंट सेंड टू मी थ्रू द मेल. अब पोस्ट ऑफिस उधर जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत डिसऑनेस्ट पर्सन हैं, एक मीन्स उनको ऐसा लगता है कि जो चीटर हैं, एज अ चीटर हैं, कि वो उसके जो पैसे हैं वो ले लेते हैं, ये ले लेते होंगे जो भगवान ने उसको भेजे थे. सो लेट्स कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. अब जब लेंचो ने वो लेटर को रिसीव किया था, देखा था, he was surprised, no he was not surprised, he actually opened that letter with the confidence. So no, Lencho was not at all surprised on receiving a letter from God with the money in it. He was very confident and had firm faith in God. Firm faith tha uska bhagwan ke upar, and that his request would definitely be taken care of by the almighty. Here almighty means God. तो यहाँ पे वो जो है लेंचो है उसने बिल्कुल भी सरप्राइज शो नहीं किया था, एंड मोर ओवर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था. उसको ऐसा लगता है कि उसका इतना ब्लाइंड, इतना फर्म फेथ था भगवान के ऊपर कि उसने कहा कि अपना जो लेटर था वो भगवान को भेज दिया, एंड वाइल ही रिसीव्ड द मनी उसको ऐसा लगता है कि वो भगवान ने भेजे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट मेड हिम एंग्री. तो जब उसको पैसे मिल गए थे तो उसको किस चीज़ से गुस्सा आया था. वेन ही काउंटेड दैट मनी इट वॉज जस्ट 70 pesos बट नॉट 100. सो वेन लेंचो काउंटेड द मनी ही फाउंड 70 pesos ओनली इंस्टेड ऑफ 100 pesos डिमांडेड बाय हिम फ्रॉम गॉड. कि उसने गॉड से 100 मांगे थे लेकिन ही रिसीव्ड ओनली 70. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक इन सेंडिंग हिम लेस मनी
nor could he have denied Lencho what he had requested. उसको ऐसा था कि ना तो भगवान ने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई किया, और अगर उन्होंने मुझे भेजा तो वो तो गलती कर ही नहीं सकते बिकॉज वो तो गॉड है. देयरफॉर ही केम टू द कंक्लूजन दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 pesos फ्रॉम द एनवेलप. तो वो किस कंक्लूजन पे आता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं दे मस्ट हैव टेकन दैट पार्ट ऑफ द मनी दैट 30 pesos फ्रॉम दैट एनवेलप, शायद उन्होंने वहाँ से ले लिए होंगे मेरे एनवेलप. Now thinking about the text, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tells you this? अब हमें ऐसा कैसे लगता है कि जो Lencho था उसका बहुत ज़्यादा complete faith था भगवान के ऊपर? कुछ evidences हमने देखे हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से sentences में means कौन से ऐसे sentences से story में जो हमें ये बताते हैं that Lencho was having a blind faith in God. So Lencho has complete faith in the God as he instructed that God knows everything and helps us in our problems. As हम सब जानते हैं कि जो भगवान हैं वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, and he knows everything and helps us in our problems. और हमारी मुश्किल टाइम में हमारी help भी करते हैं. There are few sentences which shows this. अब कुछ sentences story में ऐसे थे जो हमें ये बताते हैं that he was having blind faith in God. So, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from the God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, My family and I will go hungry this year. उसने लिखा था भगवान को कि अगर आप वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो जो Lencho है along with his family, they will go hungry this year. तो उनको भूखा ही रहना पड़ेगा throughout the year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and sent and still troubled went to the town. जब उसने एनवेलप लिखा था, हमें लिखना पड़ता है टू आगे उनका नेम लिखना पड़ता है जिसको भी हम लेटर भेज रहे हैं, जिसको हम सेंड कर रहे हैं. तो उन्होंने लिखा था टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड ही वाज स्टिल ट्रबल्ड एंड ही देन आफ्टर दैट ही वेंट टू द टाउन. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड Lencho व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और उसको ऐसा लगता है कि जो गॉड है वो तो गलती कर ही नहीं सकते हैं. आफ्टर दैट ही हैव ही मोर इवन ही डिडंट डिनाई टू हिज रिक्वेस्ट. Okay, second one. Why does the postmaster send money to Lencho? अब जो postmaster थे उन्होंने money क्यों भेजी थी Lencho को? Why does he sign the letter God? तो उन्होंने God के letter पे से sign भी क्यों किया था? So the postmaster was deeply moved by Lencho's faith in God. Hence, he decided to send some money to Lencho in order to avoid shaking the letter's faith in God. So he collected some money from his colleagues and friends and signed the letter as God. उनसे जो money है collect करके तो उसने ऐसे बता दिया कि वो जो letter था भगवान को receive हो गया है और जो पैसे जो वापस से भेजे हैं वो भगवान ने ही उसको भेजे हैं, God ने ही भेजे हैं. The postmaster felt it was an ideal plot to convey a message to Lencho that God has sent him the money and that God himself signed on it. तो postmaster उसको इस तरह से शो भी कर रहा होता है कि वो जो पैसे हैं भगवान ने भेजे हैं और जो साइन किए वो भी भगवान के ही साइन है, गॉड के ही साइन है. थर्ड वन, डिड Lencho ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, why और why नॉट? तो जब हमने ये देखा था कि while Lencho received the letter, तो उसने ही इवन डिडंट वॉन्ट टू नो दैट हु हैज सेंड हिम द मनी, इधर गॉड और एनी वन एल्स. तो उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं की थी कि वो जो पैसे थे वो किसने उसको सेंड किए थे. ओके, आंसर इज नो, Lencho डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड हिम द मनी बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड हैज सेंड इट टू हिम. क्योंकि उसका गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ था कि जो मनी जो उसको रिसीव हुई है वो गॉड ने ही उसको भेजी है.
Not for a moment did he suspect that someone else other than God could have sent the money to him. Not even just for a moment he think ki jo paise hain, not even just for a moment he thought that might this money have been sent by some other person. So usko itna vishwas tha, his faith in the Almighty was so rock solid that he knew that nothing escapes God's eyes. और उसका विश्वास इतना पक्का था भगवान के ऊपर कि उसको ऐसा लगता था कि भगवान की जो नज़रें हैं, भगवान की उससे कोई नहीं बच पाया. मीन्स जो भगवान है वो सब कुछ देखते हैं, ही इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, इवन एवरी वन ऑफ अस. सो उनको पता है जो उसका जो भी नुकसान हुआ, जो उसका लॉस हुआ है लंचो का, तो वो उनसे अवेयर हैं हर एक चीज़ को लेकर. दैट्स वाई वो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं उनको पैसे सेंड करके. And God was aware of the unfortunate incident faced by him and requested him to save him from the difficult situation. Fourth question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? Ab Lencho ko kya lagta hai ki jo baki jo money bachti thi wo kisne li hogi? What is the irony of the situation? Irony of the situation kya hota hai? See, irony of the situation is an unexpected aspect of it. And irony situation is strange or amusing. Because it's the opposite of what is expected. अगर हमने मान लो कोई चीज़ expect की है कि ये अच्छा चलो ये चीज़ होगी, but अगर उसके opposite हो जाती है, बिल्कुल opposite, हमने ये कुछ expect किया था लेकिन उसके बिल्कुल opposite हो गया, एक unexpected जो चीज़ हो जाए, unexpected जो thing है वो happen हो जाए, उसको हम कह सकते हैं ironic situation. So answer is, upon counting the money, when Lencho found 70 pesos only in the envelope instead of the 100 pesos that he had requested from the God, he was confident that the Almighty couldn't have made such a big mistake. Usko aisa lagta hai ki jo God hai, wo jo Almighty hai, wo mistake kar hi nahi sakte hain. And from this situation he understood that the post office employees could have stolen the rest of the 30 pesos from his envelope. तो इस कंक्लूजन पे वो पहुंच जाता है कि जो रेस्ट ऑफ द 30 पैसोस है, इट माइट बी टेकन अवे बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. हेंस ही कॉल्ड देम क्रूक्स, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड देम क्रूक्स, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, स्पेशली अ चीटर वी कैन से. एंड द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो एंड्स अप सस्पेक्टिंग दोज वेरी पीपल हु हेल्प्ड हिम इन दिस क्राइसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड शेकिंग हिज फेथ इन गॉड. तो वो एकदम आयरनी हम बोल सकते हैं, आयरनिक सिचुएशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट हुआ जो उसने एक्सपेक्ट किया था. व्हाट ही एक्सपेक्टेड दैट दिस द मनी दैट ही रिसीव्ड माइट बी सेंट फ्रॉम बाय गॉड, कि वो भगवान ने भेजी थी, बट इट वॉज नॉट सेंट बाय द गॉड, बट इट वॉज सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज. वो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करके उन्होंने ही उसको भेजी थी. सो दिस वॉज एन आयरनिक सिचुएशन. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे कुछ लोग होते हैं? वट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस. ग्रीडी कह सकते हैं, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, और वी कैन से अनक्वेश्चनिंग. हियर इज योर आंसर. इट्स नॉट ईजी टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड एज ही हैज़ अ नेव and unquestioning nature. अब उसकी नेव और unquestioning nature थी. एक बार भी उसने क्वेश्चन नहीं किया, एक बार भी उसने जानने की कोशिश नहीं की कि जो पैसे मिले थे उसने किसने उसको भेजे थे. एंड फ्रॉम द स्टोरी वी कैन कंक्लूड दैट ही इज नॉट अ स्टूपिड एंड अ लिटरेट पर्सन हु रॉट अ लेटर टू गॉड विदाउट एनी एड्रेस रिक्वेस्टिंग फॉर मनी. और हम उसे ये कह सकते हैं कि वो स्टूपिड नहीं था, वो इवन लिटरेट पर्सन था जिसको ये भी पता था हाउ टू राइट अ लेटर and without knowing any address. और कोई भी address उसको पता ही नहीं था, God के address तो किसी के पास होता ही नहीं है. So without any address requesting for money, letter जो उसने लिखा it was without any address and he was requesting for a money. Lencho had deep faith in God and he was confident that he would definitely receive some financial help from that almighty God. There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature. Humans और nature के बीच में कुछ conflict, and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? वो यहाँ बोल रहे हैं story में दो तरह के जो conflict है हमें देखने को मिले, humans and nature के बीच में, और दूसरा conflict between humans and humans.
See the answer. The conflicts between humans and nature is shown in the story when Lento's crops were destroyed by the hailstorm. He had expected some good rain for a good harvest. Usne expect kiya tha ek achhi rain, ek achhi harvest ke liye. However, his crops were damaged by the hailstorm and he lost all hope and become sad all the sight of his destroyed field. However, the story also depicts conflicts of humans between themselves. The postmaster collected some money from his colleagues, friends and gave a part of his salary even to help Lencho so that the latter's faith in God is not shaken. It was a beautiful act of selflessness and kindness on their part. और उनके एक तरफ से उनके पार्ट से एक बहुत सेल्फलेसली उन्होंने वर्क किया, बहुत ही काइंडनेस एक चीज़ शो करती है जो उन्होंने लेंचो के लिए किया. डिस्पाइट देयर नोबल एक्ट, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी ही ब्लाइंडली बिलीव दैट गॉड हैज सेंट हिम द मनी. तो जब उसको पैसे रिसीव हुए तो लेंचो ने सोचा कि ये पैसे उसको भगवान ने भेजे हैं. And he blamed the post office employees for stealing some money from the envelope. और उसने blame किस पे लगाया? Blame to post office employees कि शायद उन्होंने they have taken away the rest of the 30 pesos from the envelope. This implies that man lacks faith in his fellow human beings, which gives rise to conflicts among themselves. और ये क्या करता है, जो faith भगवान के ऊपर तो उसका पूरा था, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही एक ह्यूमन बीइंग का फेथ जो है वो बहुत कम है, एक जो बिलीव है वो बहुत कम है. बिलीव बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं, हम उसमें बहुत लैक करते हैं. एक इंसान पे हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमें उस भगवान पे विश्वास है. नो डाउट हमें भगवान पे ट्रस्ट करना भी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना भी चाहिए, बट इन दिस स्टोरी हमें ये बताया है कि जो हमें अगर हम भगवान पे कर रहे हैं फेथ, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे जो पैसे थे वो तो उन्होंने ही भेजे थे, बट उसको क्या लगता है कि वो जो रेस्ट ऑफ द मनी है इट माइट बी स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. लेकिन वही मनी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उनको दी थी एज अ काइंड ऑफ एक्ट काइंडनेस थी, एज अ पार्ट ऑफ काइंडनेस, एंड मोर ओवर कि उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ की थी उसके लिए. सो विच गिव टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बिटवीन ह्यूमन बींग्स. Next is Apom. Pom is our dust of snow which is written by Robert Frost. Dust of snow hai jo ki Robert Frost ne likhi hai. Now the way a crow shook down on me. Shook hota hai class. Shook hota hai shake. Wo keh raha hai ki jis tarah se ek crow ne, the way a crow shake down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree कौन सा होता है? Poisonous tree होता है with small white flowers. एक poisonous tree होती है जिसमें छोटे छोटे white flowers लगे होते हैं. तो वो बोल रहा है the way a crow shake down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. जिसने उसके mood को, उसके heart को एकदम change कर दिया. And saved some part of the day I have rued, held in regret. और जिस वजह से वो एक regret में था, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो mood swings हो जाते हैं कुछ वजह के कारण, due to some reason हमारे जो ऐसे दिन है बहुत ऐसे regret में जाता है, बहुत means कह सकते हैं कि sad जाता है. तो वो बोल रहा है कि has given my heart, वो जो crow था which shake down on me the dust of snow from that poisonous tree has given my heart a change of mood, जिसकी वजह से उसका जो मूड है वो बहुत चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो मेरा दिन है ऐसे वो बिल्कुल बेकार जाना था, लेकिन उसने उस दिन को थोड़ा सा सेव कर दिया, उसके जो मूड है उसको थोड़ा लाइट अप कर दिया, थोड़ा सा अच्छा कर दिया. लेट्स सी द समरी. दिस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट दैट थ्रोज लाइट अपॉन द हीलिंग एटीट्यूड ऑफ नेचर. जो हीलिंग एटीट्यूड है नेचर का, एंड हाउ लिटल थिंग्स कैन चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. और कैसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे सोचने की, द वे वी थिंक इट चेंज्ड, वो चेंज कर देती है. इट चेंज्ड आवर वे ऑफ थिंकिंग एंड ब्राइटन अप योर होल डे. और कैसे बहुत कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें हमारे जो दिन है, जैसे हमारा कोई ऐसे किसी से फाइट हो गई, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में वही चल रही होती है, तो समटाइम्स
जो नेचर की हेल्प से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हो जाती हैं जो कि एटीट्यूड जो होता है नेचर का, हमारा जो जो रेस्ट ऑफ द डे है जो हमारा वैसे ही बेकार जाना था वो हमारे कहीं ना कहीं सेव कर देते हैं। तो ये हमारे एक हीलिंग पावर कह सकते हैं होती है नेचर की, जो हमें हील कर सकती है, जो हमें हील करती भी है। तो थिंकिंग एंड ब्राइटन अप योर होल डे, और हमारे पूरे दिन को ब्राइटन अप भी कर देती है समटाइम्स। वन डे द पोइट वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ बैड डे एंड वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। और ऐसे ही पोइट जो था एक दिन वही हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, वो क्या बैठा था अंडर दैट ट्री एंड ही वॉज एक्सपीरियंसिंग अ बैड डे, वो भी एक बैड डे एक्सपीरियंस कर रहा था। सडनली अ क्रो केम एंड शूक द डस्ट ऑफ स्नो। तो वो क्या करता है, एक क्रो आता है और मींस शेक करता है डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर, अपॉन द पॉइंट एंड इंस्टेंटली मेड हिम हैप्पियर। जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके ऊपर हेड के ऊपर शेक कर देता है, शूक कर देता है, तो क्या होता है, इट मेड हिम हैप्पियर, जो उसको खुश बना देता है, एंड इट मेड हिम हैप्पियर। He realized that he was sad about petty issues in life. तो उसको ऐसा लगता है हम छोटे छोटे petty issues को लेकर बहुत ज़्यादा sad हो जाते हैं life में। The tree is poisonously combined with the crow. That is an indicator of doom and fear. But for him, in the poem, these are career of happiness. तो ऐसे लगता है वो जो poisonous tree था उसको किससे compare किया गया है यहाँ पे, crow के साथ। कि जैसे जैसे पॉइजनस ट्री है, एक जो है एक नेगेटिव साइड बता दी, एक हमें पॉजिटिव साइड बता दी, कि वो एक जो उसको वो बैड जो है हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे थे एक बैड डे, लेकिन उसकी वजह से जस्ट व्हेन दैट क्रो शूक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज हेड, इमीडिएटली इट मेड हिम हैप्पियर। तो कभी कभी इसको इस पॉइंट में किससे बताया है, एज अ करियर ऑफ हैप्पीनेस, कि वो जो छोटी सी चीज़ थी वो उसने जो उसका पूरा माइंड था उसको बहुत खुश बना दिया, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से, हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड, कैसे उसका मूड चेंज हुआ। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका सारा दिन कैसे जाता, बेकार, sad. Question number second. How does Frost present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. What are the birds that are usually named in poems? Do you think crow is often mentioned in the poems? What images come to your mind when you think of a crow? So first is, Frost presents nature in a very different manner in the poem. Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty, uski beauty ke liye jana jata, uski good qualities ke liye, like peacock, parrot, cuckoo, mina, and trees full of beautiful flowers and fruits. But here, Frost has taken a totally different approach. He chose a crow. पहले क्या होता है, कभी पीकॉक को, कभी पैरट को जैसे चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द पोम्स में, लेकिन यहाँ पे जो है पॉइंट उसने किसको चूज किया, क्रो को, विच इज ऑफन यूज इन पोम्स, विच इज नॉट ऑफन यूज इन पोम्स। पोम्स में ज़्यादातर क्रो को नहीं यूज किया जाता, कंपेयर करके भी नहीं बताया जाता। सो क्रो इज ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस एंड इज बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमन। थिंकिंग ऑफ अ क्रो बींग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर टू आर माइंड। अगर हम क्रो को सोचें तो वो हमारे दिमाग में बहुत एक सोरोफुल या फिर एक बहुत अलग सी इमेज, उनकी ऑकवर्ड सी इमेज या फिर कह सकते बहुत डिप्रेसिंग इमेज जो है हमारे दिमाग में बनी हुई होती है, लेकिन इट मेक्स हिम हैप्पियर। अगेन, वट इज अ हेमलॉक ट्री, वाई डजेंट द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन। कि जो पोइट है उसने सिर्फ हेमलॉक ट्री की क्यों एग्जाम्पल ली थी, कोई और ट्री की एग्जाम्पल भी ले सकता था जैसे पाइन, ओक एंड मैपल, तो उसकी उसने क्यों नहीं ली, वाई ही चोज ओनली हेमलॉक ट्री। अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री, इंस्टेड ही चोज द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटिफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। Actually, he did so to present his mood
एंड फीलिंग्स, उसने अपनी मूड और फीलिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए इसकी एग्जाम्पल ली थी. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट. अब जो क्रो है वो हेमलॉक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, जॉय और सोरो. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर. सो आवर आंसर इज द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सोरो एंड द डिप्रेशन विच वॉज फेल्ट बाय द पॉइट इन हिज मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. The dust of snow is a symbol of the natural joy and energy. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sadness and through the depressed moments, the breath is entering into the time which is full of joy and optimism. Third question, have there been stillness when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? तो हमने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो हमारे मूड को एकदम चेंज कर दे. सो देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स वेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस. दिस इज माई एक्सपीरियंस, यू कैन राइट योर ओन टू. समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अरोज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड समटाइम्स ड्यू टू माई ओन कंडक्ट. On one occasion when I was very upset, I went out just for a walk. While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. This little joy that they shared changed my mood and I felt very happy for the rest of the day. I also joined the two and played with him. So, sometimes kuch chhoti chhoti cheeze hoti hain jab hum due to some reason hum bahut pareshan ho jate hain. कोई भी ऐसा छोटा सा ऐसे कोई हमें बोल दे कुछ, तो हम वहाँ से बड़ा परेशान हो जाते कि हमने इसने हमने ऐसे बोल दिया, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द डे है वो वैसे ही जाता है, उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं. तो कभी कभी ऐसे छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें खुश बना देती हैं या हमें खुश कर देती हैं. अनदर पोम इज फायर एंड आइस. इट्स ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फायर एंड आइस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत अलग हैं, एकदम अपोजिट हैं. फायर एंड आइस, इन दोनों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है. सो फायर एंड आइस, सम से इन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इज इन आइस. अब बोल रहे हैं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है इट विल एंड इन फायर एंड सम से इट विल एंड इन आइस. कुछ बोलते कि फायर में खत्म हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं इट विल एंड इन आइस. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, I hold with those who favor fire, means who support fire. अब बोल रहे हैं if it, but if it had perished twice, means died twice, if it had to, अगर उसको दो बार die करना होगा, मरना होगा, तो I think I know enough of hate to say that for destruction, ice. अब destruction के लिए वो बोल रहे हैं ice, and also great and would suffice. Suffice means be sufficient. Which is written by Robert Frost. अब यहाँ से वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. Here is your summary. Robert Frost's poem, Fire and Ice, is a strong symbolic poem. एक strong symbolic poem है जिसमें जो fire है उसको use किया गया है as a emotion of desire, और जो ice है उसको as a emotion of hatred. तो उसको नफरत के उसमें गया गया है, और ये जो है उसको desire की तरह उसको show किया गया है fire को. He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. One is of the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life. कि जो fire है वो हर एक possibility जितने भी life अपनी अर्थ पे जितने भी हैं लोग living things हैं तो उनको जो है end up कर सकती है on earth. While the other thinks that if ice as a result of extremely low temperatures would cover the earth's surface, it will lead to the end of the world. अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर जो टेम्परेचर है बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस हो जाए, बहुत कम हो जाए, जहाँ पे जो हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए, इट विल ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड इन दैट केस इट विल ऑल्सो लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. और ये दोनों किससे कंपेयर किए गए हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस के साथ. एक जो है हमारा डिजायर है, दूसरी हमारी हेटेड है.
Here he considered fire as more competent for destruction. यहाँ पे उन्होंने फायर को बोला है as a more competent for destruction के लिए. But then he thinks that icy hatred is just as capable of ruining humans, who can destroy humans, though slowly and steadily. जो आइस है वो धीरे धीरे आराम आराम से जो है उसको खत्म करती है या खर बर्बाद करेगी. Therefore, if earth was to end twice, कि अगर अर्थ है अगर उसको if it was to end twice, then ice would be just as good as fire. तो जो ice है वो उतनी ही अच्छी होगी जितनी कि फायर है. दोनों को सेम बता दिए यहाँ. इफ अ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, अगर जो फायर है वो रैपिड डिस्ट्रक्शन, अब जो फायर है एक में रैपिड डिस्ट्रक्शन होती है, आग में कोई चीज लगा तो कितनी जल्दी चल जाती है. तो वो बोल रहे हैं कि जो फायर है इट लीड्स टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, वाइल आइस जो है इट वुड लीड टू साइलेंट डैमेज. वहाँ पे साइलेंट डैमेज होता है लेकिन जो फायर है उसमें रैपिड डिस्ट्रक्शन होती है. सिमिलरली इफ द फायर इज प्योर फैशन पैशन, आइस इज अ प्योर रीजन. एंड दस द पॉइंट वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलोसफी दैट वी लेट आर इमोशंस रूल अस. हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं. एंड इफ डोंट कंट्रोल देम दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल द वर्ज ऑफ चॉइस. सो हेयर आर अवर क्वेश्चन आंसर्स. देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे, तो क्या हमें लगता है कि जो वर्ल्ड है वो एक दिन खत्म हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट दैट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे. एज वी ऑल नो कि एक ना एक दिन जो वर्ल्ड है वो एंड अप हो जाएगा एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. देयर आर मैनी आइडियाज एज टू हाउ इट विल एंड बट वन कांट से श्योरली, लेकिन हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और हम इस चीज़ के बारे में बहुत श्योर भी नहीं है दैट हाउ इट विल एंड. The reason that life exists only on earth is that the circumstances and temperature is apt to make it possible. अब reason क्या है, वो जो conditions है, जो temperature है, वो हम उसमें है that our life is sustainable. हम अपनी जो life है उसको जी सकते हैं. Life is possible. If the sun gets so hot one day that it is at the verge of bursting, verge means edge of bursting, तो क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन. तो वो एकदम से जो रैपिड डिस्ट्रक्शन होगी इट विल लीड टू दैट. एज देयर वुड बी अ फायर एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह आग होगी, तो अगर सन एक दिन बर्स्ट होगा तो हम सब भी रैपिड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हम सब भी एकदम सब मर जाएंगे. द वर्ल्ड विल एंड. कन्वर्सली इफ इट ग्रोस कोल्डर एंड कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड लाइफ इन एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन एट सच लो टेम्परेचर. और सिमिलरली अगर ठंड इतनी ज़्यादा ठंड हो गई तो लाइफ वहाँ पर भी हमारी सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है. देन ऑल्सो द वर्ल्ड विल एंड बट स्लोली एंड स्टेडिली. फॉर फ्रोस्ट वॉट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? अब फ्रोस्ट के लिए जो फायर और आइस को किससे हमने कंपेयर किया वर्ड्स के साथ. अकॉर्डिंग टू फ्रोस्ट फायर स्टैंड फॉर ग्रीड कॉन्फ्लिक्ट फ्यूरी क्रुएलिटी लस्ट एंड एवरीज. वेयर एज द आई स्टैंड फॉर इनसेंसिटिविटी के लिए किया हमने यूज कोल्डनेस इंटॉलरेंस इनडिफरेंस रिजिडिटी एंड हेटेड. थर्ड आंसर इज वॉट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम? हाउ डज इट हेल्प इन द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोम? सो द राइमिंग स्कीम क्या है हमारी? ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी. द पोइम हैज यूज द राइमिंग ब्यूटिफुली टू ब्रिंग आउट कंट्रास्टिंग ideas in the poem. He has used the ideas of two groups who believe that the world would come to a catastrophic end either as a result of fire or either as a result of the ice. Simultaneously, he portrays these two essential components as the features of destructive human emotions, hatred or desire. Just like fiery desires and icy hatred can cause damage to an individual in an irreparable manner, fire and ice can lead the world at the verge of chaos. तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो fire and ice है it will lead to destruction as the end of the world. Okay, so that's all for today. Today we have done one chapter. The name of the chapter is our name of the chapter is a letter to God, and along with that we have done two poems. One was Dust of Snow and another one is Ice and Fire. So in the next chapter, we will come up with some another chapter with some another poem. That's all for today. Thank you.